नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, सीधा चीनी को अंग्रेजी में कबाब चीनी के नाम से जाना जाता है। इसे एक तरह की जड़ी बूटी भी कह सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। शीतल चीनी पौधे के पत्ते पान के पत्ते के समान दिखाई देते हैं। इसके फल का आकार बहुत छोटा होता है और दिखने में काली मिर्च की तरह लगती है। इसके कच्चे फल को सुखाकर उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग बहुत से व्यंजनों में किया भी जाता है, लेकिन यह लौंग से बहुत भिन्न नहीं है। यह शरीर के रोगों की रोकथाम बहुत जल्दी करता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको शीतल चीनी के फायदे यानी कि कबाब चीनी के फायदे और इसके नुकसान के बारे में बताते हैं। पहला फायदा, थकान दूर करने में करता है मदद। अगर आपको थकान महसूस हो रही हो तो आप कबाब चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब चीनी का पाउडर लें, उसमें दालचीनी और लेमन ग्रास को मिला लें और 2 कप पानी में डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे उतार कर पिएं। आपको दिन में 2 बार इस मिश्रण को पीना है और ऐसा करने से आप शरीर में एनर्जी महसूस करेंगे। दोस्तों, आप इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हेल्थ वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरह का अगर सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। दूसरा फायदा, सिर दर्द दूर करने में करता है मदद। कबाब चीनी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसलिए सिर दर्द दूर करने के उपाय में इसका उपयोग किया जा सकता है। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है वो भी कबाब चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब चीनी का इस्तेमाल करने के लिए कबाब चीनी के बीज को पीसकर पाउडर बना लें। अब इसमें नारियल का तेल और इसमें 2 से 3 बूंद नीलगिरी के तेल को मिला लें और फिर सिर पर मालिश करें। इससे सिर का दर्द दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप कबाब चीनी के तेल को नारियल या बादाम के तेल के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। तीसरा फायदा, सांसों की बदबू दूर करने में करता है मदद। खाना खाने के बाद या मसूड़ों से जुड़ी समस्या होने पर मुंह से अक्सर बदबू आने की समस्या होती है। सांसों की बदबू दूर करने के लिए शीतल चीनी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें सुगंधित खुशबू और गंदगी दूर करने के गुण भी होते हैं। ये खराब स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करता है। इसका उपयोग खाने के बाद आप कर सकते हैं, जिससे मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। चौथा फायदा, बवासीर में होता है फायदेमंद। दोस्तों, गलत खान पान एवं मसालेदार खाने व ज्यादातर बैठे रहने से अक्सर बवासीर की परेशानी हो जाती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को कबाब चीनी के चूर्ण को 2 बार सुबह और शाम दूध के साथ गर्म करके लेना चाहिए। इससे बवासीर में आपको लाभ मिलेगा। पांचवा फायदा, दोस्तों, पेट फूलना या गैस वात और पित्त दोष के असंतुलन के कारण होती है। कम पित्त दोष और बढ़े हुए वात दोष के परिणाम स्वरूप पाचन अग्नि कम हो जाती है, जिससे पाचन खराब हो जाता है। बिगड़ा हुआ पाचन गैस बनने या पेट फूलने की ओर जाता है। शीतल चीनी पाचन अग्नि में सुधार करती है। छठा फायदा, मौसम बदलने की वजह से बुखार होना एक आम बात है, लेकिन बुखार होने पर अगर आप शीतल चीनी का सेवन करते हैं तो इससे बुखार उतर जाता है, क्योंकि शीतल चीनी के बीज में मौजूद तत्व शरीर की गर्मी को दूर करने में मददगार साबित होता है। सातवां फायदा, खांसी से छुटकारा दिलाने में करता है मदद। दोस्तों, खांसी अक्सर फ्लू या वायरस व दूषित पानी पीने से होता है। यदि व्यक्ति का शरीर कमजोर है तो यह सब बहुत जल्दी हो जाता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली में मनुष्य जल्दी खांसी जुखाम की चपेट में आ जाता है। खांसी को दूर करने के लिए कबाब चीनी के चूर्ण का उपयोग लाभदायक साबित होता है। इसका उपयोग शहद के साथ करें। ऐसी प्रक्रिया दिन में 2 बार करें जब तक कि आपकी खांसी ठीक न हो जाए। इसके लिए कबाब चीनी के चूर्ण को शहद में मिलाकर आप सेवन करें। इसके बाद दोस्तों, आइए जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में कबाब चीनी का इस्तेमाल करने से आंतों में जलन की समस्या हो सकती है। इसके सेवन से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे किसी और अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।